एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम बुरुटो को देखते हैं जो एक आदमी के अंदर डेंकी की तरह डार्क चक्रा देखकर उसको अपने साथियों के साथ रोकने की कोशिश करता है। तभी हम इस आदमी को देखते हैं जो बुरुटो और उसके दोस्तों को चकमा देकर यहाँ से भागने लगता है और बुरुटो और उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं। तभी इसी दौरान हम एक लड़के को देखते हैं जो इस आदमी को हरा देता है। तभी इसी दौरान यहाँ बुरुटो लोग भी पहुंच जाते हैं जो इस लड़के को देखकर चौंक जाते हैं और बुरुटो इस लड़के से कहता है, कौन हो तुम? तभी लड़का बुरुटो की बात सुनकर उसको स्माइल देता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम सीनो को देखते हैं जो अपनी क्लास के सभी बच्चों को साउंड विलेज के न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट मित्सुकी के बारे में बताता है। तभी हम बुरुटो को देखते हैं जो इवावे से कहता है, ये तो सुबह वाला बंदा है। तभी डेंकी कहता है, तुम जानते हो इसको? तभी बुरुटो कहता है, इससे हम सुबह मिल चुके हैं, इसने एक आदमी को रोका जो शहर में तबाही कर रहा था। तभी मेटल कहता है, इसका मतलब इसमें दम है। तभी इवावे कहता है, मैं इससे मुकाबला करके इसकी ताकत को देखना चाहता हूँ। फिर इसके बाद हम सीनो को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट से कहता है, आप सभी लोग जानते हो साउंड विलेज के एक सिनोबी ने कई साल पहले हमारे विलेज को तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब समय बदल चुका है और इसका सबूत मित्सुकी है जो हमारे दोनों देश की दोस्ती को दर्शाता है। और इतना कहते ही सीनो मित्सुकी को बैठने को कहता है। तभी हम मित्सुकी को देखते हैं जो बुरुटो के पास जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद बुरुटो और मित्सुकी एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और बुरुटो मित्सुकी से कहता है, तुम्हें जो पूछना हो तुम मुझसे पूछ लेना। तभी मित्सुकी कहता है, अच्छा ये बताओ हम लोग यहाँ बिना क्लासरूम के क्यों बैठे हैं? तभी मित्सुकी की ये बात सुनकर बुरुटो चौंक जाता है और सभी बच्चे हंसने लगते हैं और इनोजिन बुरुटो को चिढ़ाते हुए कहता है, एक बंदे के कारण के उससे हमें बाहर बैठना पड़ रहा है। फिर इसके बाद हम बुरुटो को देखते हैं जिसे सीनो एक सवाल सॉल्व करने को देता है, जिसे बुरुटो आसानी से सॉल्व करके सीनो से कहता है, सेंसे ये बच्चों का सवाल छोड़कर कोई बड़ों वाला सवाल क्यों नहीं देते? तभी ये बात सुनकर सीनो स्माइल करता है और एक हार्ड सवाल ब्रूटो को सॉल्व करने को देता है, जिसे देखकर ब्रूटो की सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है और वो सीनो से कहता है, आप चीटर हो सेंसे। तभी ब्रूटो के इतना कहते ही मित्सुकी यहाँ आता है और ब्रूटो की हेल्प करने लगता है, जिसे देखकर सीनो उसको रोकता है और उससे कहता है, ये सवाल तुम नहीं कर सकते, ये ब्रूटो के लिए है। तभी मित्सुकी कहता है, हमें एक दूसरे की पढ़ाई में हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैं ब्रूटो की हेल्प करने यहाँ आया। तभी सीनो कहता है, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन ब्रूटो इसे खुद नहीं कर सकता तो इसका कोई फायदा नहीं है। और इतना कहते ही सीनो बुरुटो और मित्सुकी को अपनी जगह में वापस बैठने को कहता है, जिसके बाद बुरुटो मित्सुकी को देखकर कहता है, ये थोड़ा अजीब लड़का है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम इवावे और बुरुटो को ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं, जिसमें इवावे बुरुटो को हरा कर कहता है, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ बुरुटो। तभी बुरुटो कहता है, ताकत के मामले में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तभी बुरुटो के इतना कहते ही हम मित्सुकी को देखते हैं जो इवावे से लड़ने को कहता है। तभी इवावे कहता है, मैं भी तुझसे लड़ना चाहता था न्यू लड़के। तभी ये बात सुनकर सीनो इवावे को लड़ने के लिए कहता है और मित्सुकी बिना सीनो के स्टार्ट कहे ही लड़ने लगता है। फिर इसके बाद हम मित्सुकी को देखते हैं जो अपनी कमाल की स्पीड दिखाकर इवावे को पीछे से पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ने लगता है, जिसे देखकर सीनो उसको हटाने की कोशिश करता है पर सीनो उसे हटा नहीं पाता। तभी ये देखकर ब्रूटो मित्सुकी को रुकने को कहता है और मित्सुकी इवावे को छोड़ देता है और ब्रूटो से कहता है, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं जीतने ही वाला था। तभी ब्रूटो कहता है, मुझे लड़ने वाले लोग ज्यादा पसंद नहीं है और तूने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसलिए जाओ और इवावे से माफी मांगो। तभी ये बात सुनकर मित्सुकी कहता है, मैं नहीं चाहता तुम मुझे ना पसंद करो। और इतना कहते ही मित्सुकी इवावे से माफी मांगता है, जिसे देखकर ब्रूटो चौंक जाता है और कहता है, ये थोड़ा नहीं बहुत ही अजीब है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम सीनो को देखते हैं जो कुरुनाई से कहता है, सेंसे आप जानती हो मैं टीचिंग के लिए नहीं बना हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता अपने स्टूडेंट के साथ कैसे रहा जाता है। तभी कुरुनाई कहती है, विलेज में सब जानते हैं तुम टीचिंग के लिए नहीं बने हो, पर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इसलिए मेरी सलाह है तुम अपने तरीके से बच्चों के साथ तालमेल बैठाओ। तभी ये बात सुनकर सीनो कहता है, हार ना मानूं और अपने तरीके से बच्चों के साथ जुड़ जाऊं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम मित्सुकी को देखते हैं जो एक जगह बैठकर किसी से बात करते हुए कहता है, मैं बुरुटो से मिला, हमने ज्यादा बात तो नहीं की, पर मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कि वो मेरा सूरज है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम सीनो को देखते हैं जो बच्चों के साथ जुड़ने के लिए मित्सुकी के लिए एक वेलकम पार्टी रखता है, जिसे देखकर सभी बच्चे सीनो को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, आज सेंसे को क्या हुआ और इन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं? तभी हम मित्सुकी को देखते हैं जो ये देखकर खुश हो जाता है और सीनो सभी बच्चों को पार्टी एंजॉय करने को कहता है, जिसके बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और हर कोई स्टूडेंट मित्सुकी से मिलकर उससे बात करने लगता है। तभी ये देखकर सीनो कहता है, आपने सही कहा था कुरुनाई सेंसे, मैं अपने स्टूडेंट से अपने तरीके से जुड़ूंगा। तभी इसी दौरान यहाँ सुमीरे आती है जो सीनो से
कहती है, सेंसे आज आपको क्या हुआ, आपने सबके लिए इतना कुछ किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी सीनो कहता है, मैं लोगों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाता, लेकिन जब मैं अकेडमी में था तो मैं अकेला नहीं पढ़ा, मेरे साथ मेरे कई दोस्त थे, इसलिए अब मैं अकेडमी का टीचर बनकर वो सब वापस चुका रहा हूँ। और इतना कहते ही सीनो अपने कीड़ों की मदद से कुछ टैडी और बाकी चीजें प्रेजेंट करता है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी इसी दौरान एक लड़की एक टैडी को पकड़ लेती है, जिसे देखकर सीनो उसको रुकने को कहता है, पर तभी एक कीड़ा उस लड़की के फेस पर बैठ जाता है, जिससे वो जोर से चिल्लाती है और सारे कीड़े बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी ये देखकर डेंकी कहता है, कोई तो कुछ करो। तभी मित्सुकी कहता है, तुम चाहते हो मैं इन कीड़ों का कुछ करूं। और इतना कहते ही मित्सुकी विंड स्टाइल ब्रेक थ्रो का इस्तेमाल करता है, जिससे सभी कीड़ों के साथ खाना भी उड़ जाता है और स्कूल रिपेयर करने वाले भी ये देखकर डर जाते हैं। तभी ये देखकर सीनो उनके पास जाकर उनसे माफी मांगता है। फिर इसके बाद हम इनोजिन और ब्रूटो को देखते हैं, जो सीनो की परछाई की इमेजिनेशन करते हुए कहते हैं, बाकी टीचर की बात अलग है, इसलिए हम लोग सीनो सेंसे पर डिपेंड नहीं रह सकते, उनमें वो बात नहीं लगती। तभी इनोजिन कहता है, मुझे लगता है उनकी परछाई ज्यादा ताकतवर होगी। तभी शिकाडाई कहता है, तुम लोग ऐसी बातें मत करो, सेंसे ने मित्सुकी के वेलकम के लिए इतना कुछ किया। तभी मित्सुकी कहता है, मेरा वेलकम। तभी सुमिरे कहती है, तुम्हें मजा नहीं आया। तभी मित्सुकी सोचते हुए कहता है, मजा। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम सुमिरे को देखते हैं, जो सभी स्टूडेंट से कहती है, सेंसे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पहला पीरियड खाली है। तभी ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट खुद को कोसने लगते हैं और शिकाडाई सभी से कहता है, मुझे लगता है हम सभी को सीनो सेंसे से माफी मांग लेनी चाहिए। तभी शिकाडाई के इतना कहते ही सभी स्टूडेंट एक वर्कर की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और उसको देखने जाते हैं। फिर इसके बाद हम बुरुटो को देखते हैं, जो उस वर्कर के अंदर वही डार्क चक्रा देखता है। तभी इसी दौरान यहाँ अचानक से मित्सुकी आता है और वो बुरुटो से कहता है, ओह तो तुम उसे देख सकते हो। तभी ये बात सुनकर बुरुटो चौंक जाता है। तभी हम शिकाडाई को देखते हैं, जिसे मित्सुकी को देखकर ये लगता है कि कहीं उसकी वजह से तो लोग ऐसा बर्ताव नहीं करते। फिर इसके बाद हम इस वर्कर को देखते हैं, जो गुस्से में सामान तोड़ते हुए कहता है, तुम बच्चों की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारी वजह से हमारा काम खराब होते रहता है। फिर इसके बाद हम ब्रूटो लोगों को देखते हैं, जो इस आदमी को रोकने के लिए अंदर जाते हैं। फिर इसके बाद हम सारादा को देखते हैं, जो इस आदमी से लड़के उसको उलझाती है, और शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जुस्सू से इस आदमी को पकड़ लेता है, जिसके बाद इवावे इस आदमी के सर पर अटैक करता है, जिससे उसको कुछ भी नहीं होता। तभी इसी दौरान यहाँ ब्रूटो आता है, जो इस वर्कर को पकड़ लेता है, लेकिन तभी ये वर्कर खुद को छुटाने की कोशिश करता है, जिससे ब्रूटो और ये वर्कर नीचे गिरने लगते हैं। फिर इसके बाद हम मित्सुकी को देखते हैं, जो अपने जुस्सू की मदद से ब्रूटो और इस वर्कर को बचा लेता है और ब्रूटो से कहता है, अभी तुम मर जाते, तुम्हें ज्यादा नहीं करना चाहिए। तभी ब्रूटो कहता है, तुमने सही कहा। और इतना कहते ही ब्रूटो इस वर्कर के अंदर से वो डार्क चक्र निकलता देखकर सभी से कहता है, ये अब ठीक है। फिर इसके बाद हम ब्रूटो को देखते हैं, जो मित्सुकी को अजीब ढंग से देखते हुए कहता है, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। तभी मित्सुकी कहता है, मुझे भी ब्रूटो। तभी मित्सुकी के इतना कहते ही हम सीनो को देखते हैं, जो ये सब गलती का जिम्मेदार खुद को समझता है और स्कूल प्रिंसिपल इरुका के पास जाकर इस सबके लिए माफी मांगता है। तभी इरुका कहता है, तुम्हारी क्लास में बहुत शैतान बच्चे हैं और ऊपर से ये नया ट्रांसफर बच्चा भी आ गया है, तुम्हारे लिए ये काफी मुश्किल होगा, इसलिए मैं आंको सेंसे से बात करता हूँ। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम सीनो को देखते हैं, जो सभी बच्चों के बारे में सोचता है और कहता है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मुझे सीरियसली ले, मैं कुछ भी कर लूं उन पर कोई असर नहीं होता। तभी सीनो के इतना कहते ही वही डार्क चक्रा सीनो के अंदर चला जाता है, जिससे सीनो बदल जाता है और कहता है, मैं बेकार में ही चिंता कर रहा था। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम बुरुटो, शिकाडाई और मित्सुकी को स्कूल से दूर एक जंगल में देखते हैं, जहां उन्हें सीनो ने मिलने के लिए बुलाया होता है। तभी इसी दौरान यहां पे शिकाडाई कहता है, बड़ी अजीब बात है, सीनो सेंसे ने इतनी सुबह सिर्फ हम तीनों को ही यहां क्यों बुलाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी शिकाडाई के इतना कहते ही यहां सीनो आता है और कहता है, इंतजार करने के लिए माफ करना, चलो अब शुरू करते हैं हमारा आखिरी लेसन। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पे एंड होता है।